मैडम अविनाश कौर जी, आकाशवाणी FM बठिंडा दे प्रसारण च आप जी नू जिया नू आखदे आ जी। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, मेरे सारे सुनन वालों नू मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। जदो मैम दूरदर्शन दी मोनोपोली सी जा एकाधिकार सी, तो उदो लोकां दे दिलां दे उत्ते राज करन वाले लोक वी ना बहुत घट हुंदे सी। ठीक है कि सेलिब्रिटीज तो साडा मतलब फिल्म इंडस्ट्री नाल वी हुंदा सी, ते इक होर सेलिब्रिटी सी जिहड़ी शायद मिडल क्लास दे लोकां दे दिलां ते राज करदी सी, ओह सी साडे दूरदर्शन दे न्यूज़ लीडर्स, जिन्हां दे विच तीन चार जे मैं नाम याद करां जिहड़े अज वी लोकां नू याद है, जिवें मैडम मंजरी जोशी हो गए, मैडम सलमा सुल्तान हो गए, शमी नारंग जी हो गए, और तुसी मैडम अविनाश कौर। तो सब तो पहला तो ना मैं थोड़े नाल गल सांझी करनी चाहूंगा, वैसे तो भी पता होना क्योंकि फैंस दे फोन है जेडे ओ ड्यूटी रूम च और डाक पोस्ट कार्ड चिट्ठियां बहुत आउंदियां सीगियां तुहाडे प्रति, लोकां दी प्रतिक्रिया की है ओ उस दे बारे हुंदियां सीगियां, पर तुहाडी जेड़ी एक इमेज या जेड़ा तुहाडा अक्स या तुहाडी जेड़ी छवि बनी लोगां दे दिलां च, ओ एक बड़ी संस्कारी जी लड़की है जी, ए वड्डी सारी बिंदी लगा के आंदी है। कोई कहंदा सी यार बेटी हो तो अविनाश कौर जैसी है ना, कोई कहंदा सी बहन हो तो अविनाश कौर जैसी, और कई लोग गर्लफ्रेंड भी तुहानू चाहते सी, कई बीवी के रूप च भी थोड़ी कामना करते सी, जेड़ा अक्स बनिया कोई मतलब जानबूझ के या कॉन्शियसली बनाया गया थोड़े वालों या बस बन गया है? जी नहीं, कॉन्शियसली नहीं बनाया गया। मैं इस चीज से यकीन करनी है कि वेन यू आर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा तो थोड़ी जी असली पर्सनैलिटी, इनर जी थोड़ी पर्सनैलिटी होंगी, इट कम्स थ्रू कैमरे, तो कोई बच नहीं सकता। कैमरे के सामने जी जो अक्स आंदा है वो असली होंगे। सो मैं इस चीज से यकीन करनी है कि आर्टिफिशियल इमेज बनाना नहीं बनती है, कैमरे के सामने सब सच निकल के आ जाता है, तो अंदर की जी ऑनेस्टी इंटेग्रिटी है वो भी दर्शकों के सामने आ जाती है, तो बनाया नहीं जाता। जिथे तक दिल्ली का सवाल है वो तो पर्सनल फैशन स्टाइल क्योंकि देखो ना हरेक न्यूज रीडर की ना एक जिन्हों कहते ना उदा ट्रेडमार्क बन चुका सीगा, जिदा सलमा सुल्तान मैम जो वाला च फुल टंग दे सी, गुलाब टंग दे सी, वो बड़ा चर्चा च रहिंदा सीगा, और शमी नारंग जी खबर खत्म होने बाद पेन बंद करके पॉकेट च पाते सी, वो बड़ा उन्होंने एक ट्रेडमार्क सी, तुहाडा ट्रेडमार्क सीगा बिंदी। पर मैम एक सवाल मेरे जहन च आ रहा है कि 90 के दहाके की जे मैं गल करा तो दिल्ली च जो मैं जाता सी तो कॉलेज जिहड़ा मिरांडा हाउस दे बारे असीं सुनदे हुंदे सीगे कि जिन्ने टॉप दे इंडिया दे लीडर्स है जां जिहड़ी इलीट क्लास है सप्रांत परिवारां दीआं जिहड़ियां लड़कियां ओह मिरांडा हाउस कॉलेज च पढ़दियां ते बड़ियां तेज तरार हुंदियां जी, बंदे नूं खड़े नूं वेख जाण, ते जदों मिरांडा हाउस दे पिछोकड़ दी मैं मैडम अविनाश कौर नूं टीवी ते देखना शुरू कीता तो फिर मन दे विच जो मिरांडा हाउस दी इक छवि सी ओह वी बदलनी शुरू हुई। तुहानूं पता सीगा कि इदां दा इक इमेज है जिहड़ा मिरांडा हाउस दा वी हैगा? मेरे वास्ते मिरांडा हाउस इक टॉप नॉच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सी, और मेरा उत्थे जाण दा मकसद सी मेरे सब्जेक्ट जिहड़ा कि फिजिक्स ऑनर्स सी, फिजिक्स विच एक्सपर्टीज और महारत हासिल करना, तो मेरे उत्ते उस तरह की चीजों का कोई असर नहीं सी, बिकॉज जब तुसी किसी कॉलेज जाते हो और उत्थे तुसी एक मकसद नाल जाते हो, माहौल किस तरह का भी हो, माहौल बहुत ही अच्छा सी, सिर्फ उड़दियां खबर उड़दियां होंगे मिरांडा के बारे, पर बहुत ही वधिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सी, जिथे बड़े अच्छा टीचिंग स्टाफ और बहुत अच्छी वैल्यूज सन। ऑफकोर्स वो मॉडर्न और प्रोग्रेसिव कॉलेज है, और उसका मतलब हर एक बंदे वास्ते अलग होंगे, और इस बंदे के खुद पे डिपेंड करता है कि तुम किस तरह की वैल्यूज उस एज विच ग्रहण करते हो, और तुहाडा घर का माहौल किस तरह करो, किस तरह संस्कार, तो संस्कार एक्चुअली करो ही बंदे हैगे ने। बिल्कुल, क्योंकि तुहाडे पिता जी भी अध्यापन के खेत्र च रहे हैं, तो इस करके किते ना किते जो उन्हां दी वैल्यू सी जां जो उन्हां दी कदरां कीमतां सी ओह भी तुहाडे जीवन च ओहदी थां जरूर रही होनी है। हाँ जी हाँ जी, और साडे कॉलेज दा जिहड़ा माहौल सी ओह काफी रिलीजियस भी सी, गुरबाणी, सो ओह जिहड़ी बेसिस है ओह मेरी जिहड़ी कोर स्ट्रेंथ है ओह यू नो ओह स्पिरिचुअलिटी रही है शुरू तो ही, उस तो बाद आउटसाइड माहौल जो भी होवे पर बंदे दा अंदर स्ट्रांग होवे ते ओह अपने फोकस्ड रहिंदा है, और जिहड़ी मकसद वास्ते कॉलेज जांदा है तो उस मकसद नूं हासिल करके रहिंदा। बिल्कुल जी बिल्कुल, और मैनू ना एक होर बड़ी हैरानी हुंदी सी जदों मैं न्यूज बुलेटिन देखदा सी जदों तुहाडे वल्लों पढ़े जांदे सीगे, क्योंकि असी जिहड़े पंजाबी हां ना देश च किते वस जाईए जाके ते घर च ना असी गल्लबात पंजाबी च ही करदे हां, पर ओह वेला ओह सीगा दूरदर्शन दीआं खबरां दा जदों कई वार लोग ना मजाक च कहिंदे हुंदे सी आप हिंदी में समाचार नहीं, समाचारों में हिंदी सुनते हैं, तो तुहाडी इन्नी शुद्ध हिंदी है जिहड़ी इहदी ट्रेनिंग कित्थों होई? क्योंकि मैनूं इस गल दा पता है कि फिजिक्स जे तुसीं कर रहे सी तां साइंस तां सारी अंग्रेजी माध्यम च ही हुंदी है जी, ते फिर हिंदी दे उत्ते महारत तुसीं किद्दां हासिल कीती? हिंदी तो मेरी नेचुरल एक्सेंट अच्छी सी, क्योंकि मैं दिल्ली च पैदा हुई, दिल्ली च ब्रिंगिंग अप हुई, तो उस हिसाब नाल मेरी जिहड़ी हिंदी दी बेस अच्छा सी, उस तो बाद मैं अपनी प्रोनंसिएशन ऑल इंडिया रेडियो न्यूज सुन के और अपनी स्किल्स नूं होर होन कीता,
एंड आई रियली लव्ड हिंदी एज अ लैंग्वेज। मैं हिंदी नू बहुत रिस्पेक्ट करती सी और इस करके उन्हें मैं जिन्हें शुद्धिकरण नाल बोलना पसंद करती सी, वो मेरा अपना फैसिनेशन सी। स्टूडेंट्स देखते ने और लैंगुएज सीखने वाले देखते ने न्यूज, इस करके प्रोनाउंसिएशन डिक्शन इट हैज टू बी परफेक्ट। जी बिल्कुल, क्योंकि अज भी लोग दूरदर्शन या आकाशवाणी तो इस गल की तवक्को करते हैं कि उन्होंने जोड़ा तलफज है, उन्होंने जोड़ा उच्चारण है वह शुद्ध होना चाहिए। हालांकि वह गल् हूं नहीं रही जड़े वेले तक या कुछ साल पहला तक है। एक चीज हो रहा है कि तुम दूरदर्शन के एंट्री जी होंगी है बतौर एंकर होंगी है, जो तुम विज्ञान पत्रिका नाम का एक प्रोग्राम है जोड़ा वह होस्ट करते हो। मिरांडा हाउस तो फिजिक्स या साइंस का विद्यार्थी है जोड़ा, अफकोर्स विज्ञान पत्रिका तो उन्हें होस्ट करना सगा, पर साइंस के सैगमेंट तो दूरदर्शन न्यूज रीडर तक का सफर किदा तय होया जी? इस तरह होया जी, मैं जब विज्ञान पत्रिका प्रोग्राम करना शुरू किया तो काफी मैं आई वॉज नोटिस्ड, लोगों ने काफी पसंद किया मेरा काम, मेरी पूरी पर्सनैलिटी उन्होंने पसंद किया और स्वीकार किया, मैं बहुत शुक्रगुजार हाँ अपने सारे दर्शकों की। तो न्यूज के प्रोड्यूसर होंगे सन, उन्होंने मिस्टर रमेश चंदर, उन्होंने नोटिस किया एंड उन्होंने मैंने कहा कि तुम वाई डोंट यू यू नो गिव ऑडिशन फॉर न्यूज। तो उन्होंने दिनों से न्यूज रीडिंग वास्ते फिर रिटन एग्जाम भी होंगे, जनरल नॉलेज ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश, हिंदी हिंदी टू इंग्लिश। वैसे अनाउंसर्स लई ना अजकल भी रिटन टेस्ट हो गया आकाशवाणी भी। अच्छा अच्छा ओके। तो मैं प्लस क्लियर किए, प्लस ऑडिशन क्लियर किया एंड न्यूज मेरी एंट्रेंस हो गई। उन्होंने दिनों एक्चुअली न्यूज का जोड़ा प्रेजेंटेशन का स्टाइल से वो जब सा नवा ग्रुप आया नवे जो एंट्रेंस सन तो नाल जो मेरा पर्सनल स्टाइल से मैं अपना एक पर्सनल स्टाइल बनाना चाहती थी ताकि मैं लोगों नाल रैपो बना सका। मेरा अपना पर्सनल स्टाइल न्यूज का सी मेन मेरे वास्ते इंग्रीडियंट सन कि एक क्रेडिबिलिटी हो गए कि लोग यकीन करें कि जो तुम बोल रहे हो वो सही है एंड सैकेंडली अपने पंदा एहसास हो रैपो विद द व्यूअर कि जब तुम उन्होंने लगे कि उन्होंने सा गल कर रही है और जो कह रही है ठीक कह रही है शी इज क्रेडिबल तो थोड़ी पूरी पर्सनैलिटी तो झलक गया है वो सारा स्टाइल। तो लोगों ने मैंने अपनाया और मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड, मेरे दोस्तों ने मैंने बहुत पसंद किया, अपनाया, मेरा वेलकम किया, मेरे स्टाइल ने पसंद किया एंड दैट्स हाउ इट गोस। जी क्योंकि वो दौर ऐसा सीगा कि जो ना तो ब्रेकिंग न्यूज हुंदियां सीगियां ते ना ही कोई इस किस्म का कुछ हुंदा सीगा कि जी कोई बहुत धमाकेदार डिस्कशन होनी है जिदे विच कोई गाली गलोच होनी है, कोई बहुत शाउट करना है किसी ने, बहुत आराम नाल तसली नाल ये सारिया खबर जिहड़ियां पढ़िया जांदियां सीगियां। और उस समय दे विच जो तुहानू स्क्रिप्ट दित्ती जांदी सी पढ़न लई तुसी उसे नू ही पढ़दे सी जां घरों भी कोई होमवर्क करके आना तुहाडे लई जरूरी हुंदा सीगा कि थोड़ा बहुत अखबार पढ़े होण जां तुहानू कुछ अपडेट होवे? बिल्कुल, होमवर्क इज अ मस्ट, अ सॉलिड फाउंडेशन। अगर तुम पढ़े लिखे हो और तुहानू जनरल अवेयरनेस है तो अपना होमवर्क करना ही पैंदा है, हर एक किसी भी प्रोफेशनल अपना होमवर्क तो करना ही पड़ेगा, मतलब उस तो बगैर क्रेडिबिलिटी आंदी नहीं है, खाली पढ़ने नाल क्रेडिबिलिटी आंदी नहीं है। उस तो असीं लोग पहले पहुंच जाते सी और पूरे एडिटर्स नाल पूरी टीम नाल डिस्कशन होंदी सी। अफकोर्स जिवें तुसीं कहा कि ब्रेकिंग न्यूज उन्होंने दिनों चीज होंगी कि ब्रेकिंग न्यूज ता भी होंगी सी पर उन्होंने ब्रेक करने का तरीका डिफरेंट सी। उन्होंने दिनों से असं कहते अभी अभी समाचार प्राप्त हुआ है, हाँ जी हाँ जी, तो इट वॉज ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज न्यूज तो ब्रेकिंग न्यूज हमेशा होगी ही, लेकिन स्टाइल थोड़ा फर्क आ गया। वो इस करके आया है कि अगर अजकल के स्टाइल की गल करो मैं उन्हें क्रिटिसाइज नहीं करांगी क्योंकि अजकल जमाना ही अलग है, टाइम आर डिफरेंट। देखो सोशल मीडिया, इंटरनेट, इंस्टाग्राम यह सब आने जो मैं कहनी हाँ जो इंग्लिश कहने टाइम्स ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, उन्हें इंस्टेंट ओपिनियन मिल जाती है, बिल्कुल इंस्टेंट फीडबैक, क्योंकि असि थोड़ी खबर देख के पहला चिट्ठी लिखते सी फिर दूजे तीजे दिन पोस्ट करते सी ते चौथे पांचवें दिन पहुंचती सी ते उदों नूं तां ओह कई कुछ होर भी हो चुके होंदे सी, रिव्यूज भी होंदे सी अखबारां विच, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैगजीन्स वगैरह दे विच अखबारां च जिहड़े न्यूज़ रीडर्स है उन्होंने बारे भी हुंदा सी और कई स्पेशल इदां दे जर्नल आने शुरू हो गए जिहड़े दूरदर्शन दे प्रोग्राम्स दे बारे कोई टिप्पणियां करदे सीगे और मैं काफी सब्सक्राइबर रहा इदां दे अखबारां दा। तो एक होर सवाल साडे ज़हन च आउंदा जदों असीं टीवी दी स्क्रीन ते रुकावट के लिए खेड देखदे हुंदे सी उदों तुहानूं की दिखाई दे रहा हुंदा सी जी? नहीं वैसे न्यूज तो रुकावट के लिए खेद है होंगे ही नहीं सी, अनलेस की कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई हो या न्यूज कास्ट विच रोकनी पवे, अदरवाइज लाइव न्यूज हम तुम्हें पता कि हमेशा लाइव न्यूज ही होंगी दूरदर्शन की, बिजली जो चली जाती सी तो रुकावट के लिए खेद उदो ही होंगी सी कि वैसे भी कोई खोर भी खराबी होती सी, मेरे होंगे कभी ड्यूरिंग द लाइव बुलेटिन गई नहीं पर रुकावट के लिए खेद है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह नहीं होंगे होगा जी होंगे सी।
ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਆਟਰ ਆਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਔਰ ਇੰਨਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਸੈਂਕੜਾ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇ ਅੰਕੜਾ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚੈਨਲਸ ਹੈ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਡਿਬੇਟਸ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਐਂਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸ਼ਾਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਮੈਡਮ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਕੌਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਡਮ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਕੌਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਬਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਅੰਤਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਬਟ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਉਦੋਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਿਰਫ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਹੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੇ ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਦ ਓਨਲੀ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਯੂਟਿਊਬ ਵੀ ਹੈ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪੋਰਟਲਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਔਰ ਲੋਕੀ ਵੇਟ ਕਰਨਗੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 8:30 ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਆਏਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੋਰਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੋਇਸ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਬਿਗੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਸ਼ਵਸਨੀਯਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਵਿਸ਼ਵਸਨੀਯ ਖਬਰ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੋਰਸ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੈ ਫਰ ਨਿਊਜ਼ ਲੀਡਰ ਦੇਰ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਅ ਸੈਂਸ ਆਫ ਇਕੁਇਲੀਬ੍ਰੀਅਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਆਉਂਦਾ ਸਹਿਜ ਸਹਿਜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਮਤਲਬ ਯੂ ਟੂ ਬੀ ਡਿਟੈਚਡ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਇੰਡ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਈਡੀਅਲ ਤੇ ਉਹੀ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਟੌਪ ਨਾਚ ਪੀਪਲ ਹੈਵ ਟੂ ਬਿਲੀਵ ਤਦ ਹੀ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਜ਼ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਚੈਨਲ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਹੈ ਮੈਡਮ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਕੌਰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟੀਵੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਕੌਰ ਔਰ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਨਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਕੌਰ ਸਰੀਨ ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਕੌਰ ਸਰੀਨ ਬਣੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰੀਨ ਜੀ ਨਾਲ ਸਰਨੇਮ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟੇ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਲ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਬਹੁਤ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਜੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਮੀਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਇੰਨਾ ਆਪਣਾਪਨ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੈਚੁਰਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਫੀਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨੈਚੁਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਵੈਸੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਟੁੱਟੇ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਨੀ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾਗਾ ਤਾਂ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਡੀਅਟ ਬਾਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈ ਟੀਵੀ ਦੇ ਜਾਂ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਐਂਕਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕੀ ਟਿਪਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਕਮ ਅਪ ਵਿਦ ਅ ਹਿਊਜ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏਗਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟੈਂਟ ਗ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇੰਸਟੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਟ ਟੂ ਸਸਟੇਨ ਇਟ ਇਟਸ ਅ ਚੈਲੰਜ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਨੌਲੇਜ ਆਪਣਾ ਬੇਸਿਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਯੋਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਔਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੂਸਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੁਇਲੀਬ੍ਰੀਅਮ ਦੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਇੰਡ ਬਾਡੀ ਔਰ ਸੋਲ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਗੋਲਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾਟ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਗੇਮਸ ਇੰਸਟੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲੋਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਸਟੇਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਸ ਸੋਲਿਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਔਰ ਸਕਿੱਲਸ ਦਾ ਆਪਣੀ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਲਡ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਨ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰੋ ਔਰ
एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टू द न्यूज और एक सेंस ऑफ बैलेंस अपने पर्सनैलिटी के अंदर ले आओ। अखीर च तुहाडा पसंदीदा गीत जेकर कोई प्ले करना हो केड़ा गीत तुहाडे दिल दे बहुत करीब है मैम अविनाश कौर? एक मेरा फेवरेट है रहे न रहे हम महका करेंगे जी, क्या बात है, बहुत खूबसूरत गीत है जी, बहुत खूबसूरत गीत है। सो बहुत अच्छा लगे ये संखेप जी मुलाकात तुहाडे नाल करके मैम अविनाश कौर, बहुत बहुत शुक्रिया आकाशवाणी एफएम बठिंडा दे प्रसारण का हिस्सा बनने लई। ओके जी, जरूर रखा।